देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो में इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा जिस तरह से है, उस तरह से इन्होंने वेशभूषा अपनाया है और हाथ में डमरू भी लिया है। उनसे बातचीत करेंगे कि कहां से आ रहे हैं और क्या कुछ बोलना चाहेंगे। उनसे बातचीत करते कहां से आ रहे हैं आप पहले जानना चाहेंगे। जी मेरा नाम अभिनंदन पाठक है जी। मैं भारतीय नमो सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अवतार पुरुष मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसी दिशा में हम ये पूरा डमरू बजाते हुए घूमते हैं और जहाँ हम जाते हैं वहाँ उत्साह होता है, लोग सोचते हैं मोदी जी आ गए, तो उसी लिए हम मोदी जी का गुणगान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। कब से आप मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं? 2014 से, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मैं मार्च में बनारस आया था और मुझे लगा कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं और मैं गली गली में घूमता था मोदी जी की जय जयकार करता हुआ। मोदी जी अवतार पुरुष हैं, उन्होंने देश का गर्व और गौरव बढ़ाया है। तीसरी बार वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो कब से आपने जो लुक लिया हुआ है और जो वेशभूषा भी आपने अपनाया है, कब से ये वेशभूषा जब लिया? मैंने कोई वेशभूषा और लुक नहीं अपनाया। मैं बचपन से युवावस्था से ऐसे ही रहता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। चूंकि हम पूरे देश में 4-5 लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के हम सकल कहलाते हैं, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि अवतार पुरुष मोदी जी ने 8 मई 2014 को मुझे अपने चरणों से उठाकर, यहीं सिगरा एक स्थान है वहाँ से गले लगाया था, मुझे आशीर्वाद दिया था। चूँकि भक्ति में शक्ति है और हम उनके भक्त हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विपक्ष को लेकर, क्योंकि बार बार वो बेरोजगारी और महंगाई के जो मुद्दे हैं वो भी उठा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? विपक्ष बेचैन है और जिसके सिर पर सहरा बांध के वो चले थे, सबसे तो पहले वो दुलाई नीतीश जी भाग गए थे। हाँ। वो आज मोदी जी की जय जयकार करते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी का कोई चेहरा घोषित वो नहीं कर पाए और मेरा साफ कहना है कि 4 जून 400 पार इंडी वाले 4 जून के बाद सब भिंडी बेचेंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मोदी जी महान व्यक्तित्व हैं, विश्व के लोकप्रिय हैं और मैं साफ कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। जी आपके वेशभूषा और लुक की वजह से जिस तरह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लग रहे हैं, ऐसे कई लोग आपसे सेल्फी भी लेते होंगे, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से लोग ये पाते हैं कि भाई मोदी जी हमारे बीच में आ गए और वो बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, माहौल बनता है, तो हम उनकी भक्ति करने का काम करते हैं। भारतीय नमो सेवा दल पूरे देश में काम कर रहा है, मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करता है। मेरे साथ ये राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय नमो सेवा दल के, ये प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और ये देखिए महिला मोर्चा की ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जो छत्तीसगढ़ से पधारी हैं, यशोदा साहू इनका नाम है। इनके साथ लगभग 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आज पूरे विश्व में मोदी जी का टंका बज रहा है। 4 जून 400 पार होने जा रहा है। हर महादेव, हर महादेव, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर महादेव। इस बार 400 के पार होगा, निश्चित रूप से होगा। अभी हम बात कर रहे थे अभिनंदन जी से, जो रूबरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं और साथ ही जो उन्होंने वेशभूषा भी ग्रहण किया है वो उसी के प्रकार से किया है। काफी लोग इनसे मिलते भी हैं और सेल्फी भी इनसे लेते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने डमरू भी बजाए और जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है वो वहाँ जाते भी हैं और लोगों में चार वोट करने के लिए अपील भी करते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाटवा, जय देश न्यूज़।